अच्छा अब एच पॉजिटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी का जो लास्ट वी है उसको समझ लेते हैं वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव क्लाइंट आफ्टर सेल जब आप अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर देते हैं तो यहां पर उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विस आपकी कंपनी आपके ब्रांड के प्रति वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर ले जाने के लिए और उसके लिए करना क्या है योर क्लाइंट मस्ट बी फुली सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट और योर सर्विस आपके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट या सर्विस से आपका क्लाइंट एकदम सेटिस्फाई होना चाहिए और ये होगा कैसे नंबर वन टाइमली डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट आपने अपने कंज्यूमर को जो भी टाइम दिया है ना उस टाइम बाउंड में ही आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करनी चाहिए सेकंड क्वालिटी एज पर कमिटमेंट जिस भी तरह की क्वालिटी का आपने कमिटमेंट किया है वो क्वालिटी जरूर फुलफिल होनी चाहिए फील ऑफ जॉय हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन आफ्टर सेल मतलब बायर के लिए भी और सप्लायर के लिए भी दोनों के लिए बात लागू होती है कि आपका जो क्लाइंट है उसको प्रोडक्ट खरीदने के बाद हैप्पीनेस होनी चाहिए जॉय फील होना चाहिए और सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए वैल्यू ऑफ़ मनी स्पेंड, जितना पैसा उसने दिया है उसको वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए और फीडबैक आफ्टर सेल जब आप अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को सेल कर दें तो उससे प्रोडक्ट का रिव्यू ज़रूर लें एक फ़ीडबैक ज़रूर लेंगे जिसके दो फायदे आपको होंगे नंबर वन एक तो नंबर ऑफ़ रिपीटेड ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे मतलब जैसे ही उस कंज्यूमर को उस तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी तो वो सबसे पहले आपकी कंपनी को या आपको कांटेक्ट करेगा और दूसरा फायदा क्या होगा उसके लिंक एंड रेफरेंस में यदि कोई भी व्यक्ति उस प्रोडक्ट की डिमांड करता है या सर्विसेज की डिमांड करता है तो वो सबसे पहले आपका नाम रेफर करेगा और गारंटी के साथ करेगा कि ये जो पर्सन है ये आपको बेस्ट प्रोडक्ट देने वाला है इससे क्या होगा इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा आपकी लीड का कन्वर्जन रेशो बहुत हाई होगा फ्रेंड्स रिकमेंडेशन से मिलने वाली लीड में जो रेशो ऑफ कन्वर्जन है वो कई गुना ज़्यादा होता है एक कोल्ड लीड की अपेक्षा एक कंज्यूमर से फीडबैक लेना कैसे है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जहां पर फीडबैक को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है वो वीडियो भी आप जरूर देखना तो आपके एग्जिस्टिंग बायर भी आपको बहुत ज्यादा लीड देंगे और नए नए रेफरेंसेज भी देना शुरू करेंगे और रिपीटेड ऑर्डर भी आना शुरू हो जाएंगे आप जानते हैं एच पॉजिटिव बिजनेस स्ट्रेटेजी की पहली बात दैट इज एच H मतलब हाई नंबर ऑफ लीड्स लीड्स कैसे बढ़ाएं यू तो लीड्स बढ़ाने के बहुत सारे फार्मूले हैं और यूट्यूब पर भी लीड्स बढ़ाने के लिए लीड जनरेट करने के लिए आप फार्मूले सर्च करेंगे तो हजारों फार्मूले आपको मिल जाएंगे लेकिन आज जो फार्मूले मैं आपको बताने वाला हूं जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं वो वो स्ट्रेटेजी है जिसको हमारी कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमारी सेल्स और मार्केटिंग टीम फॉलो करती है मतलब हंड्रेड परसेंट ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड्स लीड जनरेट करने के दो अलग अलग मेथड हैं एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न मेथड तो सबसे पहले हम समझते हैं लीड कन्वर्जन के ट्रेडिशनल मेथड को क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड को बड़े लंबे समय से हमारे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है और वो मेथड्स क्या है नंबर वन पार्टिसिपेट इन एग्जीबिशन कहीं भी एग्जीबिशन हो एक ऑर्गनाइज बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आईटीपीओ ट्रेड फेयर इस तरह की जो एग्जीबिशंस होती हैं उन एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट जरूर करें क्योंकि वहां पर लाइक माइंडेड पीपल आते हैं एक जैसी टेंडेंसी के लोग आते हैं बायर्स भी आते हैं सप्लायर्स भी आते हैं तो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने से आपके पास नंबर ऑफ लीड्स बहुत तेजी से बढ़ती हैं एंड द सेकेंड दैट इज ज्वाइंट बिजनेस मीट्स बिजनेस वर्कशॉप बिजनेस सेमिनार्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप आप जरूर लें उसका बेनिफिट क्या होगा एक तरह के लोग एक तरह के बायर आपको कॉन्टैक्ट में करेंगे और आपको बहुत सारा डेटा भी मिल जाएगा जो कोल्ड लीड के रूप में आपके लिए जरूर काम आएगा एंड द नेक्स्ट दैट इज़ फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन आज बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं जहाँ से वो लीड जनरेट करती हैं फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो अगला पॉइंट है वो है डायरेक्ट विजिट टू द क्लाइंट्स आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट अपने एंड्यूजर के यहाँ तक पहुँचते हैं जैसे मॉडलर किचन में हम लोग जहाँ भी कोई नई साइट बन रही होती है जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है या जहाँ भी रिनोवेशन चल रहा होता है हमारे एग्जीक्यूटिव ऐसी साइट्स पर विजिट करते हैं इसका मतलब अगर आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट सेल्स लीड जनरेट करने के लिए मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारी इनकमिंग लीड्स आपको जरूर मिलती हैं अब डायरेक्ट विजिट टू द क्लाइंट साइट के अलावा बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जहां पर हम के माध्यम से इनकमिंग लीड जनरेट करते हैं अब वो दो तरह का होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया टीवी रेडियो जो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है लेकिन दूसरा जो प्रिंट मीडिया है वो थोड़ा कंपेरेटिवली सस्ता होता है जैसे प्रिंट मीडिया में आ गया लीफलेट हैं ब्रोशर्स हैं मैगजीन में एडवर्टीजमेंट है न्यूज में आपके जो लीफलेट्स हैं वो डालना है डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है इस इसके अलावा होर्डिंग्स हैं बोर्ड्स हैं पैम्पलेट्स हैं और इसके अलावा छोटे छोटे प्रोग्राम्स में या बड़े बड़े इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप देकर भी हम अपने ब्रांड का एंडोर्समेंट करते हैं ब्रांड को प्रमोट करते हैं और ब्रांड के प्रमोशन के साथ साथ हमें बहुत सारी लीड जनरेट होती हैं तो फ्रेंड्स ये थी एच पॉजिटिव बिजनेस स्ट्रैटेजी की ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तक सब कुछ अच्छे से समझ गए हैं तो सबसे पहले तो उसके नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि किस किस चीज़ में आपको जानकारी और चाहिए क्योंकि इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है और मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके ही ये एच पॉजिटिव बिजनेस स्ट्रैटेजी कंप्लीट होगी इसके अलावा आपके मन में जो भी प्रश्न हो ना तो सीधा वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और मेरी टीम आपको तुरंत जवाब देगी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का अगला पार्ट मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे उसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए तो मिलते हैं इस बिजनेस स्ट्रैटेजी की नेक्स्ट वीडियो में स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ जय हिंद जय भारत